ये करते हैं क्वेश्चन नंबर चार। बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ए बिंदु हमने माना कि -3, 10 है और बिंदु बी जो है 6, -8 है और इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी के ऊपर एक बिंदु पी -1, 6 इस प्रकार है कि वो जो है इसको के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो मैं आपको ये प्रश्न कराऊंगा भी, इसके साथ ही इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत काम में आएगा। तो यहाँ पर हम जो है ये लिखेंगे कि माना जो है पी बिंदु जो कि -1, 6 है वो ए -3, 10 और बी 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को जो है के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो ये लिख लेने के बाद जैसे कि हम जो है फार्मूला लगा के इसको लिखते हैं कि जो है वहाँ पे हम x निकालना होता है तो पहले x वाला लिख के जो है हम फिर क्या अनुपात लिखते हैं और उनके साथ में ब्रैकेट्स को गुणा कर देते हैं और नीचे अनुपात का योग लगाते हैं। यहाँ x की जगह जो है माइनस का बनना है तो -1 लगा दिया और फिर जो है हम ये k और फिर ब्रैकेट लगा देंगे अनुपात लिख के और जमा में 1 और इसके साथ ब्रैकेट लगा देंगे और नीचे k जमा 1 यानी कि दोनों अनुपातों का जोड़ लिख देंगे। अब k और 1 के साथ क्योंकि k हम x निकाल रहे हैं तो k के साथ दूसरी तरफ का x यानी कि 6 गुणा होगा और 1 के साथ जो है -3 गुणा हो जाएगा। तो अब k प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 k जमा 1 और ये जो हो गया 6k और इधर -3। अब ब्रैकेट जो बाईं तरफ है उसको खोल लेते हैं तो ये हो गया -k (1) और ये 6k (-3). अब 6k जो दाईं तरफ है इसको बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -k(-6k) क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा k का 6k का तो वो -k(6k) हो जाएगा। -k को जो है दाईं तरफ लाएंगे तो +1 हो जाएगा। अब -k(-6k) हो गए -7k और -3 + 1 जो है वो हो जाएंगे -2। अब k जो है वो आपका हो जाएगा -2/-7। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो गया k आपका हो गया 2/-7। अब k के नीचे आप 1 भी लिख सकते हैं तो इसका मतलब k अनुपात 1 हो गया 2/7। तो यही आपका जो है आंसर है कि ये 2/7 में p बिंदु इसको विभाजित करता है। अब हम जो है इसका शॉर्टकट जैसे मैंने बताया था मैं आपको बताऊँगा तो वो शॉर्टकट इस तरह है। देखिए इधर एक्स वाले को देखिए -3 और दूसरा पी बिंदु का है -1 तो दोनों में -3 और -1 में 2 का अंतर है। इसी तरह से -1 और -6 में जो अंतर है अंकों में वो है 7 का तो 2/7 हो गया। इसी तरह से 10 और 6 में 4 का अंतर है घट रहे हैं इधर को और 6 से -8 घटे तो ये अंतर हुआ 14 तो 2 और 14 का अनुपात भी 2/7।